अगर हम भारत का प्राचीन इतिहास देखें तो दुनिया के दूसरे देशों और सभ्यताओं के मुकाबले भारत काफी पहले से एडवांस था। इसी प्रकार भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले खगोल विज्ञान के रहस्यों को पूरा खोल कर रख दिया था। फिर भी क्यों आर्यभट्ट द्वारा की गई उन खोजों पर कॉपरनिकस नाम के विदेशी वैज्ञानिक का ठप्पा लगा दिया गया? क्यों भारत में किए गए आविष्कार भारत के नाम से नहीं दर्ज हो पाते? क्या वाकई में आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी या इसके पीछे कोई और था? जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। भारत के वैज्ञानिकों ने हमेशा से अपने आविष्कारों द्वारा पूरी दुनिया को चौंकाया है, चाहे वो स्पेस साइंस हो या अदर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग फील्ड। भारत में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वालों की ना कभी कोई कमी थी ना ही अब है। बस उस वक्त कमी थी तो इस बात की कि भारतीयों ने कभी इन उपलब्धियों को दुनिया के सामने हाईलाइट करना नहीं सीखा, जिस वजह से यहाँ किए गए इन्वेंशन और खोजें यही दबकर रह जाती थी या तो विदेशों द्वारा उससे रिलेटेड फॉर्मूले चुरा लिए जाते थे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस कारण दिन और रात होते हैं। इसके बाद हमारे जहन में ये सवाल भी उठता है कि इस प्रकार की खोज आखिर सबसे पहले किसने की थी? तो हमें इसका जवाब मिलता है कि इसकी खोज साइंटिस्ट निकोलस कॉपरनिकस ने की थी, और इसी के साथ इसका पूरा श्रेय कॉपरनिकस को दिया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि कॉपरनिकस और गैलीलियो का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उसके हजारों साल पहले ही आर्यभट्ट ने ये खोज कर डाली थी कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमती है, और इसी वजह से ही दिन और रात होते हैं। उन्होंने अर्थ का डायमीटर 1050 योजन बताया, जो लगभग 12,500 किलोमीटर है, और सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी का जो अनुमान आर्यभट्ट ने हजारों सालों पहले बताया था, वो वर्तमान में बताई गई दूरी के बिल्कुल करीब है। खगोल विज्ञान के बारे में सबसे पहली बार ये सभी बातें उस जमाने में पता चली जब साइंस और मानव इतना डेवलप नहीं था, जब लोग सिर्फ धरती से नीले आसमान को केवल देखा करते थे। अंतरिक्ष में पहुंचना तो एक कल्पना की बात थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के आर्यभट्ट ने लगभग 1,500 साल पहले ही ज्योतिष शास्त्र की खोज कर ली थी। जब निकोलस कॉपरनिकस, जिन्हें पूरी दुनिया एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन के नाम से जानती है, उनके बारे में एक घटना प्रसिद्ध है। 1502 में जब कॉपरनिकस ब्रह्मांड विषय पर एक यूनिवर्सिटी जहां पर वो पढ़ाते थे, अपने एक लेक्चर में कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य चंद्रमा और बाकी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी से बहुत दूर स्थित तारे ब्रह्मांड में जड़ी हुई अवस्था में मौजूद हैं। दरअसल ये बात तब की है जब बाकी सभी तरह के कॉपरनिकस भी अरस्तु और टॉलमी के इस अर्थ सेंट्रल मॉडल पर विश्वास करते थे, क्योंकि तब ये मॉडल बाइबल की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग था, और इसीलिए ये मॉडल को बाइबल और चर्च द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका था। इसीलिए अरस्तु और टॉलमी के इस मॉडल को चुनौती देने का साहस कॉपरनिकस सहित किसी में भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह इस मॉडल से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अक्सर लगता था कि कहीं ना कहीं उनकी ये धारणा गलत है। कॉपरनिकस घंटों नंगी आंखों से अंतरिक्ष को निहारते रहते थे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए सही निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन सच्चाई का पता उन्हें नहीं चल पा रहा था कि आखिर ब्रह्मांड के केंद्र में है क्या। उन्होंने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ दी और वो एक पादरी बन गए। वो अपना अधिकांश समय एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज और ओवरव्यू में गुजार देते थे। उन्होंने देश विदेश समेत कई ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद कॉपरनिकस ने भारतीय ग्रंथों की डीप स्टडी की। कहा जाता है कि उन्होंने आर्यभट्ट के अनेक ग्रंथों सहित आर्यभट्टियम का भी गहन अध्ययन किया, और इसके बाद उन्होंने एक न्यू सिंपल मॉडल पर विचार करना शुरू किया, जो सूर्य केंद्रित मॉडल सन सेंटर्ड मॉडल पर आधारित था। तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह पृथ्वी समेत सूर्य का चक्कर लगाते हैं,
लेकिन सच जानने के बाद भी जिस प्रकार कॉपरनिकस यूरोप में फैली धर्मांतता के कारण इस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखने में हिचकिचा रहे थे, ठीक वैसे ही हजारों साल पहले की गई आर्यभट्ट की खोज भी प्राचीन परंपराओं और पुराणों के विरुद्ध थी, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि ग्रहण पड़ने का कारण राहु और केतु नामक दो राक्षस हैं। इसीलिए तब आर्यभट्ट को भी कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। शायद इसीलिए उस वक्त उनके द्वारा की गई एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को सुरक्षित रखने की कोशिश भी नहीं की गई होगी। इसीलिए आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए कई सारे अनमोल ग्रंथ आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक इसी तरह आर्यभट्ट द्वारा की गई इस खोज के 1000 साल बाद निकोलस कॉपरनिकस भी जब इस सिद्धांत पर पहुंचे, तब वो सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताकर चर्च और धर्म अधिकारियों से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को उस समय तब पब्लिक किया जब वो मृत्युशैया पर थे, क्योंकि उन्हें दिनों यूरोप में एक और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जोदार्न ब्रूनो। वो तो कॉपरनिकस से भी एक कदम आगे थे। ब्रूनो बड़े बोल्ड एंड रेवोल्यूशनरी पर्सन थे। उनका विचार था कि पृथ्वी ही नहीं सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमता है। सूर्य एक सामान्य तारा है और ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। आकाश अनंत है और हमारे सौर मंडल की तरह अनेकों और भी सौर मंडल इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ऐसे विचारों के कारण ब्रूनो को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें 8 सालों तक जेल में रहकर कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। फिर भी ब्रूनो ने अपने विचारों के साथ कोई समझौता नहीं किया। इसीलिए धार्मिक कट्टरपंथियों ने ब्रूनो को एक खूंटे से बांध कर जिंदा जला दिया। बात साफ थी कि उस वक्त धर्म के आगे सच्चाई दम तोड़ देती थी। कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना गैलीलियो ने भी किया। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट प्रथम भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 398 यानी 476 ईस्वी लिखा, लेकिन फिर भी उनके वास्तविक जन्म स्थान को लेकर विवाद है। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अश्मत प्रदेश में हुआ था। इसके बाद अश्मत से नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कुसुमपुर आए थे। आर्यभट्ट के जन्म से जुड़ी जानकारी उनके ग्रंथ आर्यभट्टियम से मिलती है। इसी ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके हैं और मेरी आयु इस समय 23 साल की है जब मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। उनका झुकाव बचपन से ही आविष्कारों और खोजों के प्रति था। विद्वान एस पिल्लई के अनुसार आर्यभट्ट विवाहित थे और उनका देवराजन नामक एक पुत्र भी था जो खुद भी एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर था। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। आज भी वैज्ञानिक उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। बीजगणित यानी एलजेब्रा में भी सबसे पहला ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा। उन्होंने सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए। मैथ के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही इक्वेशन का आविष्कार किया जो पूरी दुनिया में प्रख्यात हुआ। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की। इनके द्वारा दिया गया गणित ज्योतिष कारक सिद्धांत बहुत प्रचलित है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। इसके अलावा उन्होंने 3 प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथों की रचना की थी। नंबर 1 आर्यभट्टियम, नंबर 2 आर्यभट्ट सिद्धांत, नंबर 3 सूर्य प्रकाश सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्यभट्टीय की। ये भारत का सर्वाधिक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें मैथ फॉर्मूलास को इंक्लूड किया गया है। आर्यभट्ट ने इस ग्रंथ को तब लिखा जब वो मात्र 23 साल के थे। ये एक ऐसी मैथमेटिक्स बुक है जिसे कविता के रूप में लिखा गया है। इस किताब में दी गई जानकारी ज्यादातर खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम दिए। आर्यभट्ट के इन सिद्धांतों का 7वीं सदी में बहुत उपयोग होता था, लेकिन अफसोस अब उनके कई उपयोगी ग्रंथ खो चुके हैं। ये खो कैसे गए इसकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं। गोलपाद में आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है।
आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की बताई गई परिधि और वास्तविक परिधि मान से केवल 2% ही कम है। अब सवाल ये उठता है कि शून्य यानी जीरो की खोज किसने की, जीरो का इन्वेंशन किसने किया, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन मानते हैं कि जीरो का आविष्कार 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था। चलो मान लिया कि शून्य का आविष्कार 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने किया, तो फिर हजारों वर्ष पहले रावण के 10 सिर बिना शून्य के कैसे गिने गए, बिना जीरो के कैसे पता चला कि कौरव 100 थे। इस तरह की जीरो से रिलेटेड और भी कुछ अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये भी सच है कि तब जीरो का कोई सिंबल नहीं हुआ करता था। कई लोग आर्यभट्ट को ही शून्य का जनक मानते हैं, लेकिन कोई सिद्धांत ना देने के कारण उन्हें शून्य का मेन इन्वेंटर नहीं माना जाता। वैसे भारत के ब्रह्मगुप्त ने शून्य का सिंबल और प्रिंसिपल दिया था, और भारत के इस ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्ट ने शून्य का इस्तेमाल किया था। आर्यभट्ट गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में थे। इन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की और इनके शिष्य विश्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। राजा बुद्धगुप्त के समय आर्यभट्टियम नामक इनका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ। उस ग्रंथ की प्रसिद्धि के चलते बुद्धगुप्त ने इनको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया। बुद्धगुप्त धर्म से बौद्ध था, इसीलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के लिए बहुत प्रयास किया। इस महान और सबसे पुराने विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा की गई। अब बात करते हैं आर्यभट्ट द्वारा की गई खोजों के बारे में। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि अर्थ का एक रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। उन्होंने ही पूरे विश्व को बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले 9 ग्रह की स्थिति का पता लगाया और बताया कि सभी 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इस बात की जानकारी भी आर्यभट्ट ने ही दी। पूरे विश्व को तब ये नहीं पता था कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तब आर्यभट्ट ने ही बताया कि एक वर्ष में पूरे 365 दिन होते हैं। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले लोगों को बताया कि पृथ्वी सपाट नहीं बल्कि गोलाकार है। आर्यभट्ट एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम का निर्माण किया। उन्होंने बिहार के तरेगाना क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर में निरीक्षण शाला की स्थापना की। आज पूरे विश्व में पढ़ाया जाने वाला ट्रिग्नोमेट्री की खोज आर्यभट्ट ने ही की। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ गणितापाद में अरिथमेटिक, एल्जेब्रा और लाइन मैथ से लोगों को परिचित कराया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के विषय में भी बताया था। इससे पता चलता है कि वो न्यूटन से काफी पहले से ही लॉ ऑफ ग्रेविटी से परिचित थे। डीई स्मिथ जैसे मैथमेटिशियन के अनुसार आर्यभट्ट की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में 550 ईस्वी में हुई थी। आर्यभट्ट के दिए गए सभी सिद्धांत हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देने के लिए अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को स्पेस में भेजा, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा। इसरो द्वारा पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल में कुछ बैक्टीरिया की खोज की गई, जिसमें से एक प्रजाति का नाम बेसिलस आर्यभट्ट रखा गया। भारत के नैनीताल में एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध मशहूर गणितज्ञ आर्यभट्ट का सम्मान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया गया है। इसीलिए वर्ष 1976 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा आर्यभट्ट की 1500वीं जयंती का आयोजन किया गया था। आर्यभट्ट की खोज प्राचीन परंपरा और पुराणों के विरुद्ध थी, लेकिन वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त ने भी इसकी कटु आलोचना की। लेकिन आर्यभट्ट अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। हजारों साल बाद 1600 के दशक गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया तो आर्यभट्ट के निकाले गए सभी निष्कर्ष बिल्कुल सही साबित हुए। अगर आर्यभट्ट ने ये महत्वपूर्ण खोजें नहीं की होती तो आज पूरे विश्व का विज्ञान बहुत पीछे होता। आज पूरे संसार में इस भारतीय प्राचीन वैज्ञानिक का बोलबाला है, क्योंकि इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अगर भारत के इस महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ये सभी महत्वपूर्ण खोजें नहीं की होती तो आज पूरी दुनिया ना तो इतनी विकसित होती और ना ही हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाते। दुनिया ने भी इस बात को वास्तव में स्वीकारा है।
अभी भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कई ऐसे विकसित देशों से बहुत आगे है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें हमारी बहुत सी उपलब्धियों का क्रेडिट अब तक नहीं मिल पाया है।